गजेंद्र यादव, अरुण बोरा आमने सामने हैं, क्या मामला है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नहीं आवाज में नहीं, वो थोड़ा दम है आवाज में। बहुत कांग्रेस है, एक तरफा कांग्रेस है, वो नए नए प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव। बीजेपी को टिकट बांटना आता नहीं, हम यहाँ यहाँ से जीतेगा अरुण बोरा, यहाँ से जीतेगा अरुण बोरा, अरुण बोरा जीतेगा। कुछ उसमें गजरदा वर्दा नहीं है ना? नहीं, मसाला मसाला पानी मीठा है ना, ठीक है, पान दबा लिए हैं, पान आप खाते हैं ज्यादा? हम गुटका खाते हैं, लबड़वा के लाल हो गया है। हाँ लाल तो है ही हम। आप लोग देखो जो है वक्त में एंड टाइम जो जो पैसा बांटेगा वो जीतेगा। कितना चाहिए? आप देख रहे थे चुलबुल पांडे की रिपोर्ट, जो की मैं शुरुआत में बोलना भूल गया था। ये गेंदा वेंदा का फूल ला रहे हो, इसका सेलिंग वेलिंग तो एकदम इसका ग्रेस हाई हो गया होगा, स्टॉक मार्केट इसका ग्राफ चढ़ गया है ऊपर। ये चुनाव उनाव नेता तो बड़ा आजकल माला वाला का हेर फेर चल रहा है बड़ा, तो कितना निकल रहा है माल? चालू हो गया है, ठीक है। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। वैसे भी आजकल गेंदा फूल बड़ा डिमांड में है, दिवाली में तो होता ही है, मगर चुनाव आ चुका है तो चुनाव के वक्त नेता लोगों के गले में भी हार स्वरूप टांगा जाता है उनके कार्यकर्ताओं के हिसाब से। हाँ वो अलग विषय है कि वो पैसा नेताओं का ही होता है और माला भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर नेताओं के ही गले में चला आता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पांच कैंडल चौक में, क्योंकि यहाँ पर पहले पांच कैंडल जला करता था, क्योंकि चुनाव का माहौल जमदमा चुका है तो चुनाव के बारे में बात करने आए हैं। दुर्ग शहर में है, दुर्ग शहर के जो विधायक हैं अरुण वोरा, उनके सामने आए। क्या हो गया? आ रहे हैं, रुक जाओ भाई। तो अरुण वोरा यहाँ से विधायक हैं और उनके सामने खड़े हुए हैं नए नवेले एकदम ताज़ा तरीन प्रत्याशी गजेंद्र यादव, जिन्हें लोग कह रहे हैं तो अभी नए नए उतरे हैं, हालांकि हर मरतबा जो नया आए वो पुराना हो ऐसा लाजमी नहीं। क्या चिल्ला रहे थे भाई? हम आपको बताना चाहते, वैसे तो राज्य में छत्तीसगढ़ की सरकार वापिस आ रही है, बट हमारे स्थानीय विधायक जी की स्थिति थोड़ा सा डामाडोल है, क्योंकि स्थानीय विधायक जी कहाँ हैं हमें पता नहीं है, कार्यकर्ताओं को पता नहीं है, हमें कार्यकर्ता होने के नाते बता आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता है, पर हमारे विधायक जी हमको पूछते नहीं है। क्या नहीं पूछे हमको? हमारे आज चुनाव आने वाला है, एक महीने बाद चुनाव है, हमारे विधायक जी हमें तो गजेंद्र यादव के साथ तो नहीं मिल जाओगे जाके? नहीं, नहीं, हम कांग्रेस के सच्चे नेता है, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, बट हम विधायक जी को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है, कार्यकर्ताओं का मनोबल ना तोड़े, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करते रहे, उनका काम हम भी होता रहे, टेंडर वेंडर मिलता रहे। नहीं नहीं हम कोई प्राइवेट टेंडर वेंडर हम विधायक जी से हम नहीं चाहते, हम कार्यकर्ता हैं, हम जाते हैं विधायक जी से केवल आशीर्वाद पाना चाहते हैं और जनता का आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमारे विधायक जी हमारे क्षेत्र में काम करें, हमारे मोहल्ले के जो भी। आप क्या चाहते हैं, आपके विधायक जीते कि हारे? हम चाहते हैं हमारे विधायक जीते, बट तो समझाइए ना उनको। हम अपने विधायक से नाराज है, हम आपके माध्यम से उनको सूचना देना चाहते हैं। मिलने नहीं जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं हम, क्यों नहीं जा रहे भैया? विधायक जी हमसे मिलेंगे, चुनाव है, हम क्यों जाएं? आप कैमरा बताइए कहीं गजेंद्र यादव से नहीं मिले हैं? नहीं मिले हैं। तो देखिए कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेश बघेल की सरकार आ रही है, 75 पार के नारा के साथ आ रही है। हम दुर्ग शहर से तो नहीं बोल सकते, बट कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आ रही है। अरुण वोरा क्या नहीं कर रहे हैं आपके लिए? अरुण वोरा जी हमारे स्थानीय विधायक है, स्थानीय विधायक है, हम बस ये चाहते हैं उनसे वो अच्छा काम करे, हमारे जनप्रतिनिधि है। कहाँ दिक्कत आ रही है? लोगों के बीच में आए, चुनाव है, लोगों के बीच में आए, हमसे भेंट मुलाकात करें। आज यहाँ पे दुर्गा माता जी का पंडाल भी राज है, हम चाहते हैं कि हमारे विधायक जी आए, देखे ये सब चीज। अब तो प्रत्याशी बन गए हैं ना, प्रत्याशी बन के तो आएंगे, नहीं चाहिए वो तो आएंगे। अभी भी नहीं आ रहे हैं। वही चाहते हैं हम कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। क्या नाम है आपका? अमन दुबे नाम है हमारा। दुबे जी निवेदन कर रहे हैं जी? नहीं नहीं बस 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 इतना ही बोलना, ज्यादा नहीं बोलना है, नेता अच्छा बनेंगे। चलिए धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद देते हैं भाई भाई भाई। आपका चैनल हम आपको फॉलो करते हैं, बिल्कुल करो, हर जगह हम आपका चैनल को लाइव देख रहे हैं, हर जगह जो आप जा रहे हैं उनको हम देख रहे हैं सब। बिल्कुल 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 भाई 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 भाई। क्या भैया क्या बना रहे हैं? ये पान आपके लिए भाई साहब, पहले से बना के रखे हो क्या? यस सर। हमारे लिए था कि इनके लिए था? आपके लिए था। आप बनवाए हो क्या? नहीं अच्छा, पान तो खा लेते हैं। चलिए, कुछ उसमें गजरदा वर्दा नहीं है ना? नहीं मसाला पान है, मीठा है ना,
ठीक है, पान दबा लिए हैं, क्या नाम हुआ? जी सर। नहीं आ? नाम क्या हुआ? पान खाओगे? नहीं ना, ठीक हो। अरे खा लो। नहीं खाता, आप ही के लिए बना था। अरे नहीं, हमको दे दिए। अरे तम्बाकू वाला खा। अरे खाओ यार। अरे मीठा पान। अरे ना खाओ यार। हेलो यार। अरे खा लो। हाँ, कहाँ कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं। क्या मामला चल रहा है इस बार का? इस मामला भी तो ढंग से पता नहीं है जी। हाँ, जब आएगा तब वो पता चलेगा। कौन आएगा अब? कौन आएगा? दोनों तो आ गए, कांग्रेस आ गए, भाजपा आ गए हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी क्या शुरुआत है? गजेंद्र यादव, अरुण बोरा जी आमने सामने हैं जी। क्या मामला है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। वो 60-40 कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं कहा, कम मत बोलो। अरे बोलो कैसे, हमारे पान खिलाए हैं फिर भी ऐसा बोल रहे हो? हाँ अच्छा, किसका 60 है किसका 40 है? अभी देखा जाए तो पुराने विधायक का ही 60 है। पुराने विधायक का ही 60 है, मतलब अरुण बोरा का 60 है बोल रहे हैं। और 40 किसका है इनका, गजेंद्र का? नया का। नया का पान कैसा लगा? अच्छा, मीठा मसाला है। तो खाना चाहिए ना? नहीं बोलो थे यार, खाओ ना तो। हाँ, क्या नाम हुआ भैया? भरत सिंह। भरत सिंह, बढ़िया पान बनाते हो, कब से लगा रहे हो यहाँ पर? 50 साल हो गए। 50 साल से लगा रहे हो? उम्र क्या है आपका? मेरा उम्र तो अभी 40 है। तो 50 साल से कैसे लगा रहे हो? मेरे पापा जी के थे ना दुकान। पापा जी लगा रहे थे दुकान। क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? वही अभी 50-50 चांस है दोनों का। तो दोनों को पान खिलाओगे मतलब? अब देखो किसके मत जर्दा ज्यादा होगा। अब लोगों के ऊपर है जी, अब देखो पुराना लोगों के ऊपर है। भाईजान भी आए हैं, भाईजान से बात करते हैं। भाईजान नमस्कार, सब खैरियत? सब ठीक है जी। आप बताएं क्या हाल चाल है? हाल चाल तो पान वान खाए हैं? खाए ना अभी तो। खा लिए हैं? कौन खाते हैं? चमन चटनी? चमन चटनी। आप कौन खाते हैं? ठीक है, कुछ नहीं, सादा सिंपल जी। गुटका ज्यादा खाते हैं पान? वो तो दिख रहा है, दिख रहा है। पान नहीं खाते? पान आप खाते हैं ज्यादा? हम गुटका खाते हैं। लबड़वा के लाल हो गया है? हाँ, लाल तो है ही हम। क्या मामला है इस बार का? इस बार का मामला एक तरफा कांग्रेस है। एक तरफा कांग्रेस? हाँ। वो नए नए प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव? बीजेपी को टिकट बांटना आता नहीं। नहीं आता है? इसको लोग जानते नहीं, उनको टिकट दे दिया जाता है। और शहर की तो 90% जनता जानती नहीं है, उनको टिकट दे दिया गया है। बड़ा बात बोल रहे हैं। हाँ, और भी मतलब गजेंद्र यादव का 90% लोग नहीं जानते हैं। खाली एक वार्ड में जानने से थोड़ी हो जाता है, पूरे शहर का चुनाव है। दुर्ग जिले का शहर का चुनाव है। अच्छा, आपके हिसाब से भाजपा को कौन से कैंडिडेट को उतारना चाहिए था? भाजपा में बहुत से कैंडिडेट थे, चतुर राठी था, और भी बहुत कैंडिडेट थे। हाँ, जैन साहब का बात चल रहा था। जैन साहब कौन? नाम बोल दिए हैं। मदन जैन तो कांग्रेस के है, वो अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कर्मठ और जुझारू नेता। जुझारू बहुत पुराने हैं। आप बताइए भाईजान। क्या बताए? इनके हाँ में हाँ कर रहे हैं, खुद का भी तो बताइए। कांग्रेस का ही सरकार बनना। पान नहीं खाए, पान खिलाए, दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या क्या मामला है भैया? नहीं, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन हो, क्या होगा? पहले कांग्रेस था, इस बार आ गए भाजपा का। भाजपा कौन है प्रत्याशी, कौन है भाजपा से? गजेंद्र यादव। जानते हैं उनको? ये तो बोल रहे हैं कोई नहीं जानता है। कहाँ भागे, इधर आओ। नहीं जानते हैं ना, ये तो बोल रहे कोई नहीं जानता है। उसका पिताजी को भी जानते हैं। एक आध लोग के जानने से कुछ नहीं होगा। गजेंद्र यादव जानते हैं भैया? क्या गजेंद्र यादव जानते हैं? नहीं भैया, नहीं जानते। आप जानते हैं गजेंद्र यादव को? हैं? गजेंद्र यादव को जानते हैं? अरे हम तो उसके बाप को भी जानते हैं यार। उनके बाप को भी जानते हैं? ये तो उनके बाप को भी जानते हैं बोल रहे हैं। हम बोले ना 100 में 10 लोग जानते हैं। 100 में 10? अभी एक आध बोल रहे थे, अब 100 में 10 बोल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उसके बाप को भी जानते हैं, बाप का भी नाम बिशेराव यादव है। वो देखिए, लो अब बोलो। ये पार्टी कौन जीतेगा ये पूछो ना। कौन हारेगा जीतेगा ये पूछो। अच्छा बताइए, कुछ पूछ रहे हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा? ये तो ऊपर वाला बता सकता है भैया। कौन ऊपर? राहुल गांधी? ऊपर वाला मतलब भगवान बता सकता है कौन हारेगा कौन जीतेगा? कांग्रेस में ऊपर वाले वही तो है। कौन? भाजपा अमित शाह। हमको इससे क्या लेना देना? आप बुजुर्ग हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल आप लोग देखो है? जो है वक्त में एंड टाइम जो पैसा बांटेगा वो जीतेगा। कितना चाहिए?
कहाँ बांट रहे होता हूँ ना, जो पैसा बांटेगा वो नहीं बांट रहे, बस तो खत्म बात, कोई नहीं बांट रहा है बोल रहे हैं, नहीं बांट रहा है तो मजा करेंगे बस। लेकिन अरुण वोरा और गजेंद्र यादव में कौन दमदार है? अब ये मैं नहीं कह सकता कौन है करके। चाचा कुछ नहीं बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, नहीं बोलिए। ठीक है भैया नमस्कार, क्या नाम हुआ? सतीश जैन। जैन साहब कहाँ रहते हैं? हम यही गांधी चौक में रहते हैं। क्या मामला है इस बार का? इस बार है ना, इस बार आई बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, कौन प्रत्याशी कौन है? देवेंद्र यादव। हाँ देवेंद्र, वो तो बिलाई नगर से हैं। अपना गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव क्यों आप बोल रहे हो? हैं क्या बोले? नहीं बोल रहा था। गजेंद्र यादव हाँ, हम नहीं पहचानते, देखे ही नहीं, नहीं देखे हैं। नायक फिर ही भाजपा की बोल रहे हैं आप? हाँ तो भाजपा, तो हम तो भाजपा की वोट पाएगी, जानते नहीं लेकिन भाजपा की। हाँ बिल्कुल। ये कहाँ कहाँ से लिए हो इसको? यहाँ ये हाँ, ये कैसी धर से? हाँ कैसी धर से? कहाँ रहते हो आप? मैं गांधी चौक। गांधी चौक में? हाँ। इस बार क्या मामला लग रहा है? बीजेपी के, कांग्रेस का, भाजपा का, किसका मामला है? मामला मामला सुन, हम जाओ ना यहाँ से, जीतेगा अरुण वोरा, यहाँ जीतेगा अरुण वोरा, अरुण वोरा जीतेगा। क्यों जीतेगा? अच्छा काम किया, काम अच्छा किया, काम अच्छा हुआ है बस यही। बेटा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नहीं आवाज में रही वो थोड़ा दम है आवाज में। क्या नाम है आपका? नंद कुमार साहू। नंद कुमार साहू, साहू जी क्या लिए हैं? ये फूल माला लिए, केला सेब, माता को चढ़ाएंगे घर के, घर के लिए, घर के लिए, माता घर के लिए पूजा पाठ हो रहा है। हाँ हाँ। क्या मामला है इस बार का? मेरे हिसाब से अरुण बोरा ही आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है अरुण, बहुत अच्छा आदमी है, आदमी काम भी किया है। नहीं नहीं नहीं, ये करता है, काम किया है, मिलनसार है। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बताइए। इस बार भाजपा की सरकार बन रही है जी, गजेंद्र यादव जी भारी मतों से जीतेंगे। कितना मतों से? 10,000 मतों से लग रहा है मेरे को जीत जाएंगे। 10,000 से? हाँ, पिछली बार 20-22 से बोरा जी जीत गए थे। कंटिन्यू ही चला आ रहा है बोरा परिवार में। नए आदमी को मौका देना चाहिए दुर्ग शहर को। ये क्या बोल रहे हैं? नए आदमी को बोरा मिलना चाहिए, नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, नए आदमी को मिलना चाहिए बोल रहे हैं। कौन है नए आदमी? कौन है? गजेंद्र यादव आए हैं। गजेंद्र को कौन जानते? गजेंद्र यादव पहले कांग्रेस में था, पहले कांग्रेस में था गजेंद्र यादव। मैं यहाँ बेगर नायक हूँ, पन्ना नायक लाल गाँव में। क्या हो गया? नहीं बहुत किया है। आप बोल रहे हैं ना सज्जनता माननी अरुण में है। अच्छा, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या हुआ भैया? अजय सैनी जी। अजय सैनी। गजेंद्र यादव कौन जानता? हो गया हो गया, जान गए यादव जी को। हाँ। क्या नाम हुआ? अजय माली। कहाँ रहते हैं? शिव पार्क। हाँ पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। हाँ अब बताओ क्या है? शिव पार्क। शिव पार्क, क्या मामला क्या है इस बार का? इस बार अरुण वोरा का मामला बनेगा। वोरा जी जीत रहे हैं जी। वो भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव, गजेंद्र यादव आएंगे पर कम आएंगे, कम आएंगे। इसको काटना नहीं है भाई, महंगा मिलता है। ठीक है, चाय वह नहीं, अच्छा आप पान खाई जाइए। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा जोहन सिन्हा। जोहन सिन्हा। मैं दूंगा जाओ खा लो जाओ। हाँ क्या क्या मामला है इस बार का? क्या चुनाव का जी? चुनाव का, चुनाव का तो अभी सब देवी पूजा पाठ में सब लगे हुए हैं। आप आओगे रुकोगे? हाँ अब इसके बाद में ही कुछ असर आएगा, अभी सब पूजा पाठ में सब लगे हुए हैं। अब जो आगे घोषित हो गया है कांग्रेस का, घोषित हुआ है, ठीक है, बाकी अभी पूजा पाठ के बाद में ही रिजल्ट का या माहौल का पता चलेगा। तो मतलब सब लोग जो प्रत्याशी घोषित हुआ है, अरुण वोरा कांग्रेस से हुए हैं, भाजपा से हुए हैं गजेंद्र यादव, तो दोनों में से कौन दमदार है? अब दमदार तो आज तक के, आज कई पीढ़ी से जैसा उसका अरुण वोरा का चले आ रहा है, तो लोग का पब्लिसिटी उसी के ऊपर में है। और गजेंद्र जो यादव जी हैं उसको तो अभी अब प्रत्याशी घोषित किया, तब जानकारी हुआ है पब्लिकों को या हमको या और को, है ना। और अरुण वोरा को आज 15-20 साल से लोग हारे हैं तब अच्छे जानते हैं, जीते हैं तब अच्छा जानते थे, है ना। गुड 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 गुड। क्या बोल रहे हो? पब्लिसिटी है, वेरी गुड। ऊपर में आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम सर भवानी नायक है। पहले मैं आपके चैनल वाला आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम 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 प्रणाम। और बहुत ही अच्छा विचारधारा सर आपका, जो पब्लिक के बीच में लेके आप चल रहे हैं जी। तो कांग्रेस की सरकार और ये नेता वेता है क्या? नहीं मैं नेता नहीं हूँ, मन सरकार से बोल रहे हैं थोड़ा सा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं मन संचालन करता हूँ माता जी का। अच्छा। जस फाग में मंच की संचालन करता हूँ, इसीलिए आदरणीय जी थोड़ा सा सूझबूझ के साथ बोलता हूँ जी। बिल्कुल बोलनी भी चाहिए।
तो देखो अभी जो हमारे आदरणीय सिन्हा जी बोले, जोहन सिन्हा जी हमारे बड़े भैया जी, वो एक साथ हम लोग काम भी किए हुए हैं पूर्व में, एक साथ पनामा में काम भी करते थे, लेकिन विचारधारा ऐसा नेता है अरुण भैया, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी जनता तारीफ कर रहे हैं। अरुण भैया को सातवीं बार टिकट मिलने के कारण है भाई, उनकी बाप की जो राजनीतिक छत्तीसगढ़ अंचल में चला और वो जाके मोतीलाल बोरा जी, उस किले उनको मिलते जा रहा है, और ऐसे वंशवाद की कोई बात नहीं, उनके एक ही बेटा है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सेवा करते हुए जनता के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए पार्टी उनको भरोसा करके फिर से उनको टिकट दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बॉस 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 बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के लोगों से बात करते हैं कि शहर में आए, आ रहा हूँ कि शहर में अरुण वोरा का दबदबा है या फिर गजेंद्र यादव का। चलिए अम्मा आप बताओ क्या है इस बार का? कुछ गोटिया है, क्या बोल रहे हो? 50 रुपए किलो गोटिया। अभी अपना बेचने के बारे में बोल रहे हो, मेरे बारे में नहीं बोल रहे थे। अच्छा कौन है? अरुण वोरा गजेंद्र यादव का, भाजपा की कांग्रेस? जेन आ जाए तेन हमला कांग्रेस। आप किसको दोगे, किसका समर्थन करोगे? जेन न पास आना। अरे पैसा सबको चाहिए यार, चलो चलते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 3 तारीख को मालूम पड़ेगा कि अरुण वोरा जीतने वाले हैं या फिर गजेंद्र यादव जीतने वाले हैं। तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, आप देख रहे थे चुलबुल पांडे की रिपोर्ट, जो कि मैं शुरुआत में बोलना भूल गया था, इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी में बैठ कर बोल रहा हूँ। देखते रहिए अन्य अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़, धन्यवाद। और इस जो कैमरा संभाल रहे हैं इस तरीके से, कैमरे के पीछे मनीष हैं, इनके भी दांत देना होगा। धन्यवाद।